जा, वती जगा कई बदमाशी। और उन्होंने जितने भी लड़के थे उन्होंने कास्टिंग किया था उन्होंने विदाउट बजट का। मुझे बहुत खुशी हुआ, मुझे डायरेक्शन करने में मजा आया। पूरी टीम कंप्लीट टीम वर्क। डार्क स्ट्रीट की बार मैंने डार्क स्ट्रीट के साथ डार्क स्ट्रीट में काम किया और सारा क्रेडिट मैं क्यूरोज कुबी को दूंगा। और अपने सो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10, मतलब अमेजिंग। व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ मुबारक विलेज। वहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम इन लियारी मूवी की स्क्रीन प्ले हो रही है और उस मूवी में वंस अपॉन अ टाइम इन लियारी में मेरे दोस्त खालिद जो मेरे साथ जिम आते हैं तो उनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल है उसमें और काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है आज की सुनने में आ रहा है। तो मुबारक विलेज पर स्क्रीन प्ले होने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पर। तो चलते हैं मुबारक विलेज और वहाँ पर जितने भी करेक्टर मूवी के मौजूद होंगे तो सबसे उनका इंटरव्यू लूँगा और मूवी का रिव्यू करूंगा कि किस तरह की मूवी है तो आप सबको दिखाऊंगा सारा सीन। तो चलते हैं देखते हैं। सो यहाँ हवा तेज़ होने की वजह से ऑडियो बिगड़ गई थी तो मुबारक विलेज पहुँच के डायरेक्ट मैं बीच पे गया, वहाँ पे सनसेट का व्यू एंजॉय किया। तो अब चलते हैं स्क्रीनिंग पे जहाँ पे मूवी की स्क्रीनिंग हो रही है। अच्छा वती जगह कई बदमाशी वजह लियारी अगर मरुची मिशन बात करने का नहीं नहीं गिफ्ट नाम है गाड़ियाँ जी कश्ती राय माल जब्त को तम हमारे क्यूबी बलोच जो कि बलोची फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो आपको कैसा लगा आपकी इस मूवी को देख के आपको स्क्रीन पे?
तो कैसा फील हुआ आपको? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ से मुबारक वैलेज में बहुत अच्छा टाउन मिला मुझे, यहाँ पे करीब लोग हैं तो यहाँ पे स्क्रीनिंग किया क्वाइट की वजह से, हमने सेफ्टी मास्क भी इनको दिया था। जी SOPs पे फॉलो किया आपने? जी 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 बिल्कुल। बाकी फिल्म के हवाले से मेरे सारे लड़कों का शुक्र गुजार, उन्होंने बगैर बजट का फिल्म बनाया और उन्होंने जितने भी लड़के थे उन्होंने कास्टिंग किया था उन्होंने विदाउट बजट का। मुझे बहुत खुशी हुआ, मुझे डायरेक्शन करने में मज़ा आया, साउंड करने में मज़ा आया, जैसे कि स्क्रीनिंग भी अभी कर रहा हूँ। मुझे मुबारक वर्ष के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि मुझे इस तरह कोई सपोर्ट मिलता रहे तो मैं आगे अच्छा जैसे अच्छा काम कर सकूँ। तो आप अपनी टीम के साथ सेटिस्फाइड हो, मतलब आपको मुतमईन हो? मेरी टीम मेरी फैमिली की तरह है, मैं फैमिली की तरह काम करता हूँ उनके साथ, सारा डीलिंग वगैरह, बल्कि मजदूरी भी काम करते हैं टीम पे, इस तरह काम करें जैसे कि मजदूर हैं लेकिन वो अपना टीम समझ के काम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, बलोची मूवी में फर्स्ट टाइम मैंने काम ऑफिशियल किया, ऑफिशियल फिल्म, ऑफिशियल मूवी है, बहुत ज़बरदस्त। इसने जो है इतना एंजॉय किया हमारे साथ डायरेक्टर कमर साहब ने जो मेहनत की, पूरी टीम कंप्लीट टीम लेकिन मैं जो ना क्रेडिट कमर साहब को इसलिए देता हूँ कि उन्होंने जो है ना हमें एक प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म में जो ना हमने मेहनत करके उसको जो ना ये आपके पास रिजल्ट आ गया। आप देखिए कितने हमारे खुद के लियारी के एक्टर हैं, अंडररेटेड एक्टर हैं, इनको आगे जाना नहीं जाता, बट एक्टिंग बहुत ही अच्छी की। तो आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको पहली मूवी थी ऑफिशियल? जी बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ और पहली बार मैंने डार्क स्ट्रीट के ऑफिशियल डार्क स्ट्रीट में काम किया और सारा क्रेडिट मैं कि उमरोज क्यूबी को दूंगा और अपने तमाम टीम को जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, पीट साहब से सीखा, डॉन से सीखा, मामा कमांडो से, बहुत अच्छा लगा। पूरी टीम की अच्छी वर्क, पूरी टीम ने बहुत बहुत मेहनत की इस मूवी में। हमारे पास सिर्फ एक वीक का टाइम था और स्ट्रगल हमने ऐसे किए कि सुबह हम 7 बजे घर से निकले और रात 12 बजे तक विदाउट एनी ना सिर्फ पानी पिए हमने, खाना वाना हमने मतलब कुछ खाने के लिए वो ऐसे में आए नहीं। इतना पैशन था आप लोगों को? बिल्कुल था, मतलब स्क्रिप्ट आपने दिया और डायलॉग आपने बोलने और बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लगा। डॉन जो कैप्टन के नाम से आप जाने जाते हो फिल्म में, तो आपकी आज पहली मूवी आपको खुद देखी स्क्रीन पे, तो कैसा लगा आपको देख के? फिल्म बहुत अच्छा लगा और मुबारक कॉलेज वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया और हमारा सपोर्ट यही है कि सारा डायरेक्टर है, सारा काम मेरी टीम वही करता है और हमारे पूरा टीम है, बाकी एक आदर है और एक कमांडर नादर जिसने जासूस का रोल किया था, बहुत ही अच्छी लगी आपकी एक्टिंग मुझे। अप्रिशिएट किया माशाल्लाह हमारे आपके मुबारक कॉलेज वालों ने। आपको कैसा फील हुआ जब मैंने स्क्रीन में देखा? तो सोचा नहीं था मैंने कि स्क्रीन में हम लोग कैसे लगेंगे, पता नहीं कैसे थे, कैसे कैसे काम किया, हम लोगों को तो पता भी नहीं चला कि हम लोगों ने जब वहाँ काम किया था वहाँ पे कैसे थे, कोई फिल्म चलेगा या नहीं चलेगा, सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा था हम लोगों का। तो आप कैसा फील हो रहा है आप कैसा? अभी जब आप स्क्रीन पे आ गए माशाल्लाह ऐसा फील हो रहा है ऐसे जैसे उड़ के चले जाए, सेटिस्फाइड हूं मतलब, क्या बताएं। कमांडो जो कैप्टन के पास ही खड़े हुए, तो आप कैसा फील कर रहे हैं आपको स्क्रीन पे देख के आपने? आपको बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मतलब जिस तरह सोचा नहीं था उस तरह खुद को देखा भी बढ़िया स्क्रीन पे, तो सेटिस्फाइड हुआ आप? बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी भी मैं जस्ट घर पे पहुंचा हूं और बात करते हैं फिल्म के रिव्यू के बारे में और रेटिंग के बारे में। सो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 10 out of 10, मतलब अमेजिंग वर्क, पूरी टीम का बहुत ही अच्छा काम था, एक्टिंग ज़बरदस्त थी, डायरेक्शन, डायलॉग्स, एक्शन सब कुछ परफेक्ट था, पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया था, डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया था, सारे जो एक्टर्स थे सब ने अपना रोल बहुत ही अच्छे से निभाया। जब मैंने मूवी देखी तो मुझे ये मूवी किसी एंगल से बलोची फिल्म नहीं लग रही थी, नहीं लग रहा था कि बलोची मूवी देख रहे हैं हम। सो इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं क्यूबी बलोच, तो उनको मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने और जैसे कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तो मैं आपको सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर ये मूवी देखें, शायद यूट्यूब पे भी रिलीज़ होने वाली है कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद। सो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, और मिलता हूँ मैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।